ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे यह ड्रामा बहुत लॉफुल बना हुआ है। इसमें फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर की आत्मा के लिए सेम लॉ है। बस सभी आत्माएं अपनी अपनी शक्ति अनुसार अपना पार्ट प्ले करती हैं और उसी अकॉर्डिंग परमधाम में भी अपनी अपनी सीट ग्रहण करती हैं। इसी कारण सभी आत्माएं अंत के समय खुश और संतुष्ट हो घर जाती हैं। बस बाप का काम तो सभी आत्माओं का कल्याण करना है, अर्थात उनके दुख हर उन्हें शांति और सुख देना है। सभी आत्माओं की लाइट अपनी अपनी है। किसी की अत्यधिक ज्यादा लाइट है, किसी की कम, अर्थात नंबरवार है, और वो उसी अकॉर्डिंग ही विश्व में लाइट फैला रहे हैं। जैसे स्थूल में भी बल्ब होते हैं, उनकी अपनी अपनी वोल्टेज होती है। उनका कनेक्शन एक ही पावर हाउस से होने के बावजूद लाइट वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग फैलाते हैं। इसी तरह जितनी पावरफुल आत्मा अर्थात जितनी लाइट है, उतनी ज्यादा पावर वो बाप से खींचती है। बच्चे जितना आपके संकल्पों में विश्व कल्याण का कार्य समाया रहेगा, उतना ही आप बाप के समीप बैठ विश्व कल्याण का कार्य कर पाओगे। बस इसके लिए स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझो। देखो स्थूल में भी जिस कार्य की जिम्मेवारी समझते हो, उसके लिए दिन रात एक कर देते हो। बच्चे जिस चीज को भी आप दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो, उसे धारण करना सहज होता है और छोड़ना मुश्किल। इसी तरह जब आप अपनी व दूसरों की कमजोरी एक्सेप्ट करते हो, अर्थात सोचते हो कि मेरा सोचना ठीक ही है, इसके ऐसे करने पर ऐसा बोलना ठीक ही है, तो फिर उस अवगुण का निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्वमान की सीट पर सेट हो, यह सोचो कि मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है और क्या करना है, क्योंकि दिल से किए गए कार्य में सफलता ना मिले यह असंभव है। हो सकता है रिजल्ट में थोड़ा समय लगे, परंतु रिजल्ट पावरफुल ही निकलेगा। बस आप बाप की श्रीमत को दिल से एक्सेप्ट कर चलते चलो। इसके बीच कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बस बिंदु। फिर तो सहज ही आप बाप समान बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.